तो हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक और नया वीडियो लेके। और ये वीडियो है मेरा एक रिएक्शन वीडियो है, और ये रिएक्शन मैं देने जा रहा हूँ साहिल भाई के चैनल पे। और उनका चैनल का एक्स मुस्लिम करके, एक्स मुस्लिम साहिल करके उनका चैनल रहेगा यूट्यूब पे। मैं उसका लिंक भी डाल दूँगा, मतलब इस वीडियो का, आप भी वहाँ जाके देख सकते हैं उसको। और देख सकते हैं, आई मीन जाके देखिए यार, देख नहीं सकते आप, जाके देखिए प्लीज़। और ये स्टोरी है एक सऊदी अरेबिया की प्रिंसेस की। उसने अपने बारे में इस स्टोरी में बताया है कि उसने अपनी लाइफ में क्या देखा है, कैसे सरवाइव कर रहे हैं, एक प्रिंसेस होके भी उसने अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें महसूस करी, क्या क्या चीज़ें देखी हैं। फ्रेंकली मुझे अरेबिक तो आती नहीं है, एक लेडी हैं उन्होंने बताया, मतलब ये सुनाई है स्टोरी। तो चलो सुनते हैं आप और मैं, और करते हैं इस पे एनालिसिस थोड़ा सा मेरी साइड का, बाकी आप लोग भी बताना। नमस्ते, आज मैं आपके लिए ये पुस्तक लेकर आई हूँ। ये है प्रिंसेस। ये सऊदी अरेबिया की राजकुमारी सुल्ताना अल सऊद की सच्ची आत्मकथा है। आइए मैं आपको राजकुमारी सुल्ताना अल सऊद की सच्ची आत्मकथा से कुछ पन्ने पढ़कर सुनाती हूँ। मेरा नाम है सुल्ताना अल सऊद। मेरे नाना सऊदी अरेबिया के अल सऊद महाराजा अल सऊद है। मेरी माँ प्रथम महाराजा महाराजा अल सऊद की सगी बेटी है, इसीलिए मैं सऊदी अरेबिया राज परिवार की जो इनर सर्कल कहते हैं, मैं उसकी सदस्य हूँ। जैसे कि सऊदी अरेबिया में आम बात है, मेरे पिताजी की भी चार पत्नियां हैं। मेरी माँ पहली पत्नी थी। मेरी माँ को 10 बेटियां और एक बेटा हुआ। 10 बेटियों में से पहली 5 बेटियां अनपढ़ गवार रह गई। उन्हें घर में केवल एक मौलवी आके सप्ताह के 3 दिन कुरान रोट लर्निंग बाय हार्ट करवाता था, तो खाली उन्होंने कुरान के कुछ आयात कंठस्थ किए, बाकी कुछ नहीं पढ़ा। इस बीच क्या हुआ, हमारी महाराजा महाराजा फैजल एक बार इजिप्ट गए थे, जहां उनकी मुलाकात महारानी इफ्फत से हुई और उन्होंने महारानी इफ्फत से शादी करके घर लेके आए। महारानी इफ्फत इजिप्ट की थी और स्वयं बहुत पढ़ी लिखी थी। वो यही चाहती थी कि कुरान के अलावा राजघराने की लड़कियां कुछ तो सीखे। इसके लिए वो स्वयं घर घर पैगाम भेजती थी और उन्होंने अल सऊद राज परिवार की राजकुमारियों को थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई करवाने के लिए बहुत कुछ किया। मतलब एक राजघराने के लड़की को पढ़ने का भी हक नहीं था। वो पढ़ी लिखी ना होने का भी उनको हक नहीं था कि बस वो चार दीवारी में वहीं रहे, रट्टा मारे, कुछ चीजें हैं, बच्चे पैदा करें बस। क्यों, उनकी इतनी सी जिंदगी थी सनातन धर्म में, बल्कि इसका उल्टा है। इसमें पढ़ाई लिखाई भी थी, इसमें शास्त्र अर्थ भी थे, लड़ाई भी सिखाई जाती थी, जो जैसा सीखना चाहे। आई डोंट नो, ये तो शॉकिंग है यार, कि मतलब एक राजकुमारी, एक प्रिंसेस, उसको ही पढ़ने का हक नहीं है। 10 बच्चे जिसमें से 5 बच्चियां अनपढ़, सौरत का क्या हाल हुआ होगा यार। 10 बच्चे चाहते हुए भी मेरे पिताजी ने मुझे और मेरी 4 दीदियों को पाठशाला में भेजा। हम 10 बहनों में से पहली 5 बहनें आज भी अनपढ़ गवार हैं। बाकी की हम छोटी 5 बहनें थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है और ये सब महारानी इफ्फत के कारण हुई है। तो महारानी इफ्फत के कारण मैं पाठशाला जाने लगी। उस समय मुझे मालूम नहीं था कि सालों बाद एक ऐसा दिन आएगा कि मैं महारानी इफ्फत की इतनी शुक्रिया अदा करूंगी, इतनी शुक्रिया अदा करूंगी। खैर, हम सब राजकुमारियों के लिए एक अलग पाठशाला थी जहां हम जाने लगे।
मेरी दो खास सहेलियां थी, वाफा और नादिया। हम तीनों हमेशा साथ रहते थे। 6 साल की उम्र में 6 साल की मुश्किलों और सुख दुख की बातें करते थे, 10 साल की उम्र में 10 साल की मुश्किलों और सुख दुख बांटते थे, 14 साल की उम्र में 14 साल के सुख दुख और मुश्किल बांटते थे। मेरा जीवन बस ऐसे ही चल रहा था। कहती हैं जब मुसीबत आती है तो अकेली नहीं आती, हमेशा मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। जब मैं 15 साल की थी तब मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। सबसे पहले तो मेरी माँ मर गई। हमारी माँ हम सबके लिए एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली महिला थी। हम 10 बहनों को बांध के रखने वाली हमारी माँ थी। माँ के मर जाने के 2 महीने बाद हमारे भाई अली ने हमें आकर बताया कि पिताजी फिर से शादी कर रहे हैं। 3 ही पत्नियां हैं, 4 अलाउड है। माँ मर चुकी थी, पिताजी एक और शादी कर रहे थे। उस बंदे का दिल कैसे किया होगा, मतलब 2 महीने बाद ही वो दूसरी शादी करते, तो तीसरी चौथी शादी कर रहा है दोबारा से, और उन बच्चों के दिमागी संतुलन पे क्या असर पड़ा होगा। शॉकिंग है, रियली वेरी शॉकिंग। मैंने पूछा इतनी जल्दी? मेरे भाई अली ने हंसकर कहा, हाँ मतलब बात तय हो गई, किससे शादी कर रहे हैं पापा? अली ने हंसकर कहा, अब रांदा से, तुम जानती हो ना? कौन रांदा? मेरी सहेली रांदा, मेरी क्लासमेट। अली ने कहा, हाँ वही रांदा। और इस तरह माँ के मरने के 4 महीने के अंदर अंदर पिताजी ने माँ को रिप्लेस किया, वो भी मेरी क्लासमेट से। शिट मैन, मतलब अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ शादी करी, ये सोच के भी दिमाग में उथल पुथल हो जाती है यार। मतलब ये आने वाली पीढ़ियों के क्या संदेश देंगे कि औरत की कोई जिंदगी नहीं होती, वो तुम्हारी गुलाम है, तुम 4-4 शादियां कर सकते हो। पाकिस्तान में मैंने देखी 3-3, 4-4 शादियां कर रखी हैं, और आप अपनी बीवी ने कर, उनकी खुद की बीवी ने करवाई है, बताओ। रियली वेरी शॉकिंग यार। तो क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए? क्या उनका कोई हक नहीं है? मुझे तो यार ये कुछ भी, मतलब मेरे सर के ऊपर से ये चीजें जाती हैं बहुत ज्यादा, कि सनातन धर्म में सिर्फ एक ही शादी है, एक ही शादी कर सकते हैं। मे बी हर देश के कानून में होना चाहिए कि आप एक ही शादी कर सकते हो। हाँ डिवोर्स हो जाए, कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, उसमें आप कर सकते हो दूसरी शादी, लेकिन ऐसे तो यार बहुत बहुत चीजें मतलब खराब नहीं हो जाएंगी कि जैसे कि जिसकी कोई हैसियत नहीं है वो कुछ खिला पिला नहीं सकता, उसके 10 बच्चे वो क्या करेगा, उनका क्या भविष्य होगा, क्या पढ़ाएगा, उनको क्या देगा, कल को बीमार हो गए उनके पास पैसा रहेगा उतना पढ़ाई लिखाई के लिए, घर परिवार चलाने के लिए, शादी ब्याह के लिए, हर जगह पैसों की जरूरत पड़ती है। सुख दुख बीमारी 36 चीजें होती हैं, क्या वो बाप अफोर्ड कर पाएगा? चलो ये तो राजा था, ये तो अफोर्ड कर रहा था, बट क्या वो अफोर्ड कर पाएगा? क्या फिर भी वो प्रिंसेस होके भी, मतलब एक रानी होके भी गुलामी वाली जिंदगी जी उसने, बस खाली बच्चे पैदा करें और मर गई बच्चे पैदा कर करके। आज के टाइम में भी अगर ऐसी चीज़ें होती हैं, हो रही हैं, मैं तो देखता हूँ पाकिस्तान में, मैंने अक्सर देखी चीज़ें कि होती हैं, इंडिया में भी देखी है मैंने, हलाला बंद होना चाहिए। औरतों का भी हक है जीने का, उन बच्चों का भी हक है, जो बच्चे पैदा होते हैं उनका भी हक होता है, अच्छी शिक्षा का, अच्छे स्वास्थ्य का, अच्छी जिंदगी का, अच्छे फ्यूचर का। और ये जिम्मेदारी जहाँ जहाँ जितनी ही उनके माँ बाप की है उतनी ही जिम्मेदारी गवर्नमेंट की भी है, कि ये नहीं तुमने 50 बच्चे पैदा कर दिया और फिर कह रहे हो कि अरे गवर्नमेंट तो नौकरी नहीं दे रही, गवर्नमेंट तो फैसिलिटी नहीं दे रही। तो सबकी सीमा होती है,
मर्यादा होती है, उस हद तक उसके खर्चे बस खाली वो अपना झेल सकता है। अब तुम कमा दे 10,000 रुपये और तुम्हें 50,000 के खर्चे पड़ रहे हैं तो तुम्हारी क्या हालत होगी? वो आपके ऊपर बर्डन पड़ती हैं वो चीज़ें। और उस औरत का सोचो, आप 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हो उससे, उसका शरीर कहाँ जाता होगा कि 10 बार उसी दर्द से गुजरना। पुरांदा पापा की पत्नी बनकर और मेरी माँ बनकर मेरे घर में आ गई। वाफा, नादिया और मैं हमेशा घूमने घामने जाते थे सूख यानी कि बाजार, सूख जाते थे। ड्राइवर हमें सूख पे छोड़ देता था सूख के दरवाजे पर, और 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा बाद आकर सूख के दरवाजे पर हमें पिकअप करके वापस आता था। एक दिन कई कारणों से मैं उस दिन जा नहीं पाई। उस दिन केवल वाफा और नादिया सूख पे चली गई। वाफा और नादिया ऐसे ही सूख घूम रही थी। काफी देर हो गया, बाहर आके देखा तो नादिया का ड्राइवर वहां था ही नहीं। देर हो रही थी और उन्हें घर जाने की जल्दी थी, तो उन्होंने घबराहट में किसी से लिफ्ट मांग ली। जैसे ही वो किसी अनजान आदमी से लिफ्ट मांग ली और जैसे ही वो गाड़ी चढ़ने जा रहे थे, मुतावा जिसे वेस्ट में रिलीजियस पुलिस कहते हैं, रिलीजियस पुलिस हमारी भाषा में मुतावा कहते हैं, वो अचानक से कहीं आके टूट पड़े। तुम दो लड़कियां, क्या तुम इन्हें जानते हो? क्या ये तुम्हारे पिता है? क्या ये तुम्हारे भाई है? क्या ये तुम्हारे बेटे हैं? नहीं है, कोई नहीं है। तुम्हें इस्लाम का कानून नहीं पता, शरिया नहीं पता, अनजान लड़कों से लिफ्ट लेने आ रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? करके वाफा और नादिया को जेल में डाल, लिफ्ट लेने के लिए उन दोनों को जेल में डाल दिया। लिफ्ट लेने के लिए बस। यार कैसा कानून है ये? एक तरफ तुम उसकी सारी, तुमने सारे उसके हक और हकूक मार रखे हैं, उसकी आज़ादी छीन रखी है। अगर वो कहीं लेट हो रही है, किसी बचना चाहती है, तो वो किसी से लिफ्ट नहीं ले सकती। लिफ्ट लेने के लिए सिर्फ उसको जेल में डाल दिया गया, उन दोनों को। भाई ऐसा कौन सा कानून है यार? क्या ये सही कानून है? क्या सच में ऐसे कानून की जरूरत होती है? क्या कि इंसान को अपनी लाइफ को अच्छे से जीने का हक भी नहीं है? कोई भी हो, एनीवन, लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, मर्द हो, क्या वो आजादी से कहीं घूम फिर नहीं सकता? ये ऐसा कौन सा कानून है कि भाई की उसके अंदर इतनी बर्बरता, वो भी सिर्फ औरत जात से। मर्द कहीं भी जाए, कुछ भी करे, उसके लिए कोई कानून नहीं है। ये कौन सी एक फ्लैटी है? कि आप एक को तो इतने आपने इतनी सारी चीजें दे रखी हैं, मतलब छुट्टे सांड की तरह जा जहां मर्जी सीख घुसा दे जिसके मर्जी, और एक को तुमने ऐसे कैद कर रखा है कि उसके पांव में ऐसी बीड़ियां बांध रखी हैं कि तो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती बिना अपने हस्बैंड के, भाई के, बाप के बिना। ये अभी सऊदी में, अब इसका कानून खैर हटा कि अब औरतें वहां पे ड्राइव कर सकती हैं, ये अभी जल्दी हटाए, तो मे भी शायद कुछ अवेयरनेस आ रही हो, आ रही है वहाँ पे भी मस्जिदों में लाउड स्पीकर के जो भी, उस पर भी बैन कर दिया गया है। कई चीज़ें सऊदी में अब चेंज हुई हैं, लेकिन उस टाइम में इतना सब कुछ, और अब भी कुछ लोग तो इस शरिया को सपोर्ट करते हैं इतना सब कुछ देखते हुए भी। अगर यही सलूक उनके साथ किया जाए, अगर वही सलूक उन मर्दों के साथ किया जाए कि औरतें
आज़ादी से रहें, उन मर्दों के पाँव में ऐसी बीड़ियाँ डाल दी जाएं कि तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हारे पर ये हैं इतनी बंदिशें हैं, तो क्या करोगे भाई? मैं तुम्हें कोई बोलता तब तो तुम्हारी मर्दानगी को चोट लग जाती है मिनट से पहले। से मर्द वो होता है कि जो हर किसी को खुश रख के चले, हर किसी को आज़ादी दे के चले, चाहे वो आपकी माँ हो, बहन हो, चाहे बीवी हो। जितनी आज़ादी का आपका हक है, इतनी आज़ादी का उनका भी हक है। उनका भी हक है खुश रहने का, उनका भी हक है घूमने का, आज़ादी से सांस लेने का, अपने मुताबिक कपड़े पहनने का, अपने मुताबिक कहीं घूमने फिरने का, अपने मुताबिक खाने का। जो बंदिशें उन पे हैं वो बंदिशें आप पे भी आती हैं। पब्लिक प्लेस पे कोई गंदा ना फैलाओ, अच्छे से रहो, हर किसी से अच्छे से बात करो, पढ़ो लिखो। लेकिन ये कानून मेरे समझ में यार, ये तो एक टाइप का बंधुआ मजदूर हो गया कि तू सिर्फ मजदूरी करेगा बेटा, तेरी सात पुश्तें मजदूरी करेंगे और पूरी जिंदगी तू मजदूरी रहेगा, इसके अलावा तू कुछ नहीं करेगा। ये तो सीरियसली बंधुआ मजदूर हो गया यार ये तो। आई एम रियली शॉकिंग यार ये, मतलब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। डाल दिया जेल में, जेल में वाफा और नादिया की पूरी शारीरिक जांच हुई। मौलवियों ने छू छू कर वाफा और नादिया का सर से पांव तक जांच किया। डिटेल जांच करने के बाद ये साबित हो गया कि वाफा और नादिया कुंवारियां हैं, उनका किसी से कोई शारीरिक संबंध नहीं है एंड हाइमन इंटैक्ट। मतलब एक लिफ्ट के चक्कर में तुमने उसको जेल में डाल दिया है, तो उसने किसी को बल्कि छुआ तक नहीं था, और जब मौलवी ने उसको छुआ तब तुम्हें वो चीज़ें गलत नहीं लगी, वो चीज़ें तुम्हारे लिए सही हैं। एक मुझे समझ में आता कि हाँ एक लेडी ने टेस्ट करा, चेक करा, एक जैसे लेडी डॉक्टर होती है, बट मौलवी वो भी क्या चेक करने के लिए, वर्जिनिटी। Shocking, really very shocking. H-Y-M-E-N, hymen, I-N-T-A-C-T, intact. जब ये पता चल गया कि दोनों कुमारियां हैं और कोई शारीरिक संबंध नहीं है, तो 3 महीने बाद वाफा और नादिया को जेल से छोड़ दिया गया और उनके पिता को, वाफा के पिता को और नादिया के पिता को मुतावा ने ये कहा कि अजनबी आदमी से लिफ्ट मांगने की सजा आप ही तय करें। वाफा के पिता ने फौरन उसकी शादी करवा दी। 15 साल की वाफा एक 53 साल की मौलवी की तीसरी पत्नी बन के चली गई और नादिया 15 साल की लड़की 53 साल के मौलवी के बीवी। भाई ये कौन सा इंसाफ है यार, या ये लोग इंसाफ की चिड़िया का नाम ही इन्हें पता नहीं होता क्या? क्या आज भी ऐसी चीजें समाज में होती हैं? पाकिस्तान में तो खैर होती है, वहां तो मुझे पता है क्योंकि वहां अक्सर ये चीजें देखता हूँ। लेकिन वहां एक नॉन मुस्लिम लड़कियों के साथ ऐसा होता है, 15 साल की लड़की की शादी 55 साल के लड़के बुड्ढे के साथ कर दी जाती है। वहां एक है मिठू मियाँ, वो इन सब चीजों को लेकर चलता है, वो ये सब करवाता। अब मुझे समझ में नहीं आता आज के टाइम में भी लोग चुप क्यों हैं। थोक दे साले को, जो ऐसा करे एक मरेगा ना, मरना तो वैसे ही है, थोक दे साले को, कम से कम दूसरे की हिम्मत तो नहीं होगी, कोई ऐसा करेगा तो मरेगा सीधा। नादिया के पिता ने तय किया कि नादिया को मिलती है सजाए मौत। नादिया के पिता ने तय किया कि नादिया को उसी के घर के स्विमिंग पूल में डुबो डुबो के मार दिया जाए। जुम्मे के दिन को नादिया को स्विमिंग पूल के पास लेके आए। नादिया के पिता ने यह भी ताकीद की थी कि सारा परिवार वहीं खड़ा रहेगा। नादिया के पिता की तीनों पत्नियां, उनके बच्चे, नौकर चाकर, ड्राइवर, नादिया के नाना नानी, दादा दादी, सबको बुलाया गया
और नादिया के पिता ने ताकीद की कि सब आंखें खोल के खड़े रहे। नादिया के पैरों में लोहे की जंजीरें बांधकर, उसके हाथ पीछे से बांधकर नादिया को उसी के स्विमिंग पूल में डुबो के मार दिया गया। और इस तरह हम तीन लड़कियों की जो मस्त टोली थी वो हमेशा हमेशा के लिए टूट गई। उस दिन तो मैं वफा और नादिया के साथ थी नहीं, फिर भी घाई घाई में जल्दी 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 मेरी भी शादी तय कर दी गई। मेरी शादी मेरे ही एक कजन के साथ तय हुई, उसका नाम था करीम। मेरी शादी भी हो गई, हमारी हनीमून भी हो गई और हम वापस आए। जीवन मेरा अच्छा ही चल रहा था। तीन बच्चे हुए, एक लड़का अब्दुल्ला और दो बेटियां माहा और अमानी। एक बेटा और दो बेटी और अपने पति के साथ मैं काफी खुश ही रह रही थी। हाँ, सास के साथ थोड़ी बहुत अनबन थी, पर कौन से घर में नहीं होता। सिर्फ एक दुखद घटना थी। इस बीच डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मुझे कैंसर हो गया है, स्टेज वन पर है। डॉक्टर ने कहा बिल्कुल डरने की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। और मैं बिल्कुल ठीक भी हो गई। लेकिन डॉक्टर ने ये कहा कि चौथा बच्चा मत करना सुल्ताना, कैंसर से उभरी हो, तुम्हारा शरीर सहन नहीं कर पाएगा। थर्सडे 28 अगस्त 1980, गुरुवार 28 अगस्त 1980, ये एक ऐसा दिन है जो मैं कभी नहीं भूल सकती। अगस्त का महीना था, हमारे यहां गर्मियों की छुट्टी चल रही थी। मेरे तीनों बच्चे दुबई के एक रेजिडेंशियल समर कैंप में गए थे 10 दिन के लिए। क्योंकि तीनों बच्चे दुबई में एक रेजिडेंशियल समर कैंप में थे, घर पे केवल करीम और मैं थे। शाम को मैं बाग में बैठी थी कि अचानक करीम आए। शक तो मुझे तभी हो गया जब करीम मुझसे दूर बैठे और उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे बोला, देखो सुल्ताना, डॉक्टर ने कह दिया है कि अब तुम्हारे और बच्चे नहीं हो सकते। हमारी इतनी जायदाद है, हमारे पास इतना पैसा है, और फिर सुल्ताना कम से कम 18-20 बच्चे तो होने चाहिए ना, कम से कम 18-20 बच्चे होने चाहिए सुल्ताना। अब तुम और नहीं जन्म दे सकती, तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन मैं तीन पे बस नहीं हो सकती। 18-20 बच्चे कम से कम? अबे तो उस टाइम में तो क्रिकेट भी नहीं चलता था क्या? फुटबॉल की दोनों साइड से एक ही फैमिली खेलती क्या? सारे भाई बहन एक साथ हैं? अबे 18-20 बच्चे, क्या सोच थी रे, क्या सोच रे तेरी, माय गॉड। और मैं तीन बच्चों पे नहीं रुक सकता। और आज भी कुछ लोग ना इसी सोच पे चलते हैं कि जितने बच्चे हो जाए ठीक है। अबे इंसान तो सुअर थोड़ी ना हो कि 16-16, 20-20 बच्चे लेके घूमोगे। चल उसके पास तो भाई दौलत थी, तुम्हारे पास क्या, 10-10 बच्चे कर लेंगे, 22-22 बच्चे कर लेते हैं और रहते हैं फिर झुग्गियों में, खाने के लिए होता नहीं है। ऐसे एक पाकिस्तान की लड़की थी, 25 बच्चे थे उसके। मेरे चैनल पे है वो वीडियो, आप जाके देख सकते हैं, नहीं तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। कमाल है यार, आज के टाइम में भी ये सोच है लोगों की, पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी ऐसे लोगों की है, बहुत बहुत लोगों की सोच ऐसी। कहते हैं अल्लाह की देन है, अल्लाह जितने दे दे ठीक है। भाई तुम अगर उनके नक्शे कदम पे चल रहे हो तो उसकी बहुत सारी दौलत थी, बहुत पैसा था उसके पास, तुम्हारे पास क्या है, खाने को रोटी नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं दूसरी शादी कर रहा हूं। बेकार में से चिंता मत करो सुल्ताना, प्यार तो मैं तुमसे भी करता रहूंगा, वो सिर्फ 17-18 बच्चे जनने के लिए है। लेकिन ये मेरा निर्णय है, मैं तीन बच्चों पर बस नहीं हो सकता, 18-20 बच्चे चाहिए, मैं दूसरी शादी कर रहा हूं। करीब की ये बात सुन के मैं दंग रह गई। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे जीवन में भी एक ऐसा दिन आएगा। मैं तो हमेशा समझती थी कि मैं और करीम खुश हैं और एक दूसरे के लिए काफी हैं। मेरा और करीम का जोर से झगड़ा भी हुआ, लेकिन करीम सुने नहीं और गुस्से में चले गए। मैं जानती थी कि मैं खुला भी लूंगी तो जीवन भर दोबारा बच्चों का मुंह नहीं देख पाऊंगी, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं थी।
जैसे ही करीम घर छोड़ के चले गए, मैंने भी एक बहुत बड़ा फैसला किया। मैं काफी होशियार थी। आते जाते यूं ही झांकते झांकते मैंने पता कर लिया था कि लॉकर नव का कॉम्बिनेशन क्या है। मुझे मालूम था कि करीम 2-3 दिन लौटने वाले नहीं है, माँ के यहाँ गए होंगे। मैं जनाना क्रॉस करके मर्दों वाली क्वार्टर्स में गई और लॉकर का कॉम्बिनेशन मैंने लगाया और लॉकर खोला, क्योंकि लॉकर में मेरे और मेरे तीनों बच्चों के पासपोर्ट्स होते थे, मुझे पासपोर्ट्स चाहिए थे। तो मैंने लॉकर खोला, क्या किस्मत है, पासपोर्ट्स तो थे ही, साथ में 10 लाख US डॉलर नकद पड़े हुए थे। मैंने फौरन चारों पासपोर्ट और 10 लाख US डॉलर नकद सब बटोरा, एक बड़े बैग में डाला। फिर मैंने अपने पायलट को फोन किया। हम राज परिवार के हैं, हमारे यहाँ सबके पास एक एक दो दो एरोप्लेन होती है। जैसे कि आम लोग कहते हैं, ड्राइवर गाड़ी निकालो 10 मिनट में निकलती हूँ, हम लोग कहते हैं पायलट एरोप्लेन निकालो 1 घंटे में निकलती हूँ। ऐसे राज परिवार में ये सही था यार। मतलब ये जो लोग करते ना, सोचते कि हम भी 18-20 बच्चे उनकी तरह कर लेंगे। अबे वो तो कहते हैं चल चल खाना खा के यूएस, ओके यूएस में खाना खाने चलते, चाय पीने चलते हैं। तुम क्या बोलोगे हैं, चल चल नाले के पास चाय पी के आते हैं। वो तो कहता चल मेरा एरोप्लेन निकाल, तू क्या कहेगा मेरा रिक्शा निकाल है या बकरी पे बैठ के जाएगा। उनके पास तो पैसा था, तुम्हारे पास क्या है भाई, जो तुम 18-20 बच्चे पैदा करने की बात करते हो। उसने तो बोला चल भाई प्लेन निकाल, हम घूम के आएंगे जाएंगे, हम घूमने जा रहे हैं। तुम क्या कहोगे, रिक्शा निकाल नाले के बगल वाले ठेले पे चल के चाय पियेंगे हैं, और अगर भाग के जाएगी तो कहाँ जाएगी। पासपोर्ट की खैर जरूरत, गहने वहने तो होंगे नहीं, पासपोर्ट तो वैसे नहीं बनेगा। चिल्लड़ पैसों के साथ हैं किसी लोकल डब्बे में लैट्रिन के पास बैठ के हैं नाक बंद करके। में ये आम बात है। मैंने पायलट को फोन किया, पायलट को कहा पायलट एरोप्लेन निकालिए, मैं जेड्डा जाना चाहती हूँ। और ये भी आम बात थी, रियाद टू जेड्डा, जेड्डा टू रियाद, हम लोग हमेशा घूमते रहते थे, कोई नई बात तो थी नहीं। पायलट ने कहा ठीक है राजकुमारी, आप आ जाइए, एरोप्लेन तैयार मिलेगी। मैंने अपने सारे गहने 10 लाख US डॉलर और चारों पासपोर्ट लिए। फिर मैंने एक कागज कलम लिया, शुक्र है महारानी इफ्फत का जिसके कारण मैं थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी। मैंने लिखा, मैं करीम अपनी पत्नी और अपना बेटा अब्दुल्ला और बेटियां माहा और अमानी को देश से बाहर जाने की इजाजत देता हूं। और मैंने हस्ताक्षर किया करीम। हमारी देश का कानून है, जब तक पति साथ में ना हो या पति की लिखित अनुमति ना हो, हम लोग कहीं देश छोड़कर जा नहीं सकते या कहीं भी उड़ नहीं सकते। मैंने लिखा, कागज लिया और मैं चली एयरपोर्ट चली आई। एरोप्लेन की सीढ़ियां चढ़ते समय मैंने पायलट से कहा, एक्चुअली ना बच्चों की बहुत याद आ रही है, एक्चुअली ना बच्चे 1 सप्ताह से समर कैंप में हैं, मिलने का बहुत मन कर रहा है, मैंने बच्चों के लिए कई सारे खिलौने और कई सारे स्वीट्स भी लिए हैं। ऐसा करते हैं पहले दुबई चलते हैं, मैं थोड़ा बच्चों को देख लूं, उनको ये सारे स्वीट्स और खिलौने दे दूं, फिर दुबई से जेड्डा चलेंगे, ठीक है, थोड़ा सा डिटोर ले लेते हैं। सो तो मैं मुस्कुरा के दुबई चलते हैं कर रही थी, पर अंदर ही अंदर मैं बहुत घबराई हुई थी। एक बार पायलट कहते ठीक है राजकुमारी, मैं एक बार आपके पति से पूछ लेता हूं करके बोलते, मैं तो गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पायलट ने कहा नो प्रॉब्लम, आप बैठिए, मैं पहले दुबई लेता हूं और वहां से जेड्डा लेता हूं। एरोप्लेन में बैठकर मैं यही सोच रही थी, मैं जानती थी कि मेरे इस कदम से मेरे पूरे परिवार पर बहुत असर पड़ने वाला है। एरोप्लेन में बैठ के खासकर मैं अपनी बहन सारा के बारे में सोच रही थी, क्योंकि हम दो बहनों की शादी 2 भाइयों के साथ हुई थी। मेरे इस कदम का असर पूरे परिवार पर तो पड़ेगा ही, सारा जो उस समय गर्भवती थी उस पर खास इसका बुरा असर पड़ने वाला है। लेकिन सारा की खुशियों के खातिर भी मैं सौत स्वीकार करने वाली नहीं थी।
फ्लाइट दुबई पे उतरी। मैंने पायलट से कहा, रुकिए मैं जरा बच्चों से मिलके आती हूँ, और मैं गाड़ी पकड़कर रेजिडेंशियल कैंप गई। रेजिडेंशियल कैंप में मैंने तीनों बच्चों को कहा, चलो चलो चलो, हो गया कैंप, चलो बाकी की छुट्टियां लंदन में मनाते हैं, बाकी की छुट्टियों के लिए लंदन चलते हैं, चलो चलो चलो, ये रेजिडेंशियल कैंप बस हो गया, चलो 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 करके मैंने तीनों बच्चों को लिया, उनको एक टैक्सी में बिठाया और सीधा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दौड़ के आई। वहां बाहर जो टिकट काउंटर्स होते हैं, मैं टिकट काउंटर्स के पास भाग के गई और मैंने कहा, लंदन के लिए कोई भी फ्लाइट है, कोई भी फ्लाइट है, अगले 10-15 मिनट में लंदन के लिए कोई भी फ्लाइट है क्या? उन्होंने कहा, 1.25 घंटे में लंदन के लिए एक फ्लाइट है, 4 टिकट मिलेंगी? उन्होंने कहा, मिलेंगी। $10,00,000 नकद पड़े थे मेरे पास, मैंने दिए, 4 टिकट लिए, इमिग्रेशन की तरफ भागी, और इस तरह मैं अपने तीनों बच्चों, अपनी बेशकीमती गहने और $10,00,000 नकद लेकर मैं घर छोड़ के भाग गई। आगे क्या हुआ, सुल्ताना कितने दिन लंदन और पेरिस में रह रही थी, उसके पति को पता कैसे चला, फिर उसने क्या किया, वो वापस सऊदी अरेबिया कब आई, कैसे आई, वो तीनों बच्चों को वापस सऊदी अरेबिया लेकर आई तो फिर क्या हुआ, ये सब आगे की कहानी है। तो भाई वीडियो हो गई खत्म, बट सच में वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये सोचो कि उसने थोड़ी सी पढ़ी थी, तब उसने अपना इतना दिमाग चलाया। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो लोग अपने बेटियों को नहीं पढ़ाते, आज भी 21st सेंचुरी में भी नहीं पढ़ाते, बच्चों को नहीं पढ़ाते, और ये सोचते कि बच्चे पैदा कर लेते हम बहुत सारी, कोई बात नहीं, हो जाएगा जैसे मर्जी। तो एक चीज़ सोच के चलो कि अगर उस उनके पास पैसा था, सीज अ प्रिंसेस, उसने अफोर्ड कर लिया, आप लोग अफोर्ड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अपने बच्चों को उस काबिल बनाओ कि अगर आपके दो बच्चे भी हैं तो एक अच्छी ज़िंदगी जिए, एक पढ़ी लिखी, उनको कोई बेवकूफ़ ना बना सके। अगर वही पढ़ी लिखी नहीं होती तो क्या वो जाती, अपनी सौत के साथ रहना पड़ता उसको, सौतन के साथ, और वो बच्चों के साथ कैसा बिहेव करती, आई डोंट नो। कि ये कहानी इतनी है, और इसका दूसरा पार्ट जैसे भी आएगा मैं पक्का वो भी लेके आऊँगा। और आप लोग इस स्टोरी पे, इस कहानी पे क्या कहते हैं, कैसा पॉसिबल था? आज भी ऐसी चीज़ें बहुत हैं, बहुत एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे, इवन इंडिया में देखने को मिल जाएंगे बहुत एग्जांपल्स। क्या ये करना सही रहता है, 4-4 शादियाँ, 20-20 बच्चे, 25-25 बच्चे? क्या वो जो बच्चे होते हैं उनका जीने का हक नहीं होता, उनको अच्छा खाने का हक नहीं होता, अच्छा पीने का हक नहीं होता, अच्छी एजुकेशन का हक नहीं होता, अच्छे हेल्थ का हक नहीं होता, अच्छी जगह पे रहने का हक नहीं होता? अगर आप 10 रुपये कमा रहे हो तो क्या आप उसके अंदर से सिर्फ 2 ही रुपये खर्च करोगे, 8 रुपये खर्च करके 2 रुपये बचाओगे आगे के लिए? क्या उतने में आपके 20 बच्चों का खर्चा चल जाएगा? क्या अच्छी लाइफ दे पाओगे? कभी नहीं। या तो वो अनपढ़ रहेंगे, या नौकरी करेंगे यहाँ वहाँ, या कुछ गलत कामों में लगेंगे। चलो दोस्तों, आप लोग क्या कहते हैं इस स्टोरी पे, और जैसे इसकी दूसरी स्टोरी आती है, मैं दूसरा पार्ट आता है स्टोरी का, मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तब तक के लिए चलता हूँ, जय हिंद, जय भारत।